खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दो चरणों में 250 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जिन नेताओं को टिकट नहीं, एमसीडी चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसे ही एक नेता हैं हसीब उल हसन। पार्टी ने हसीब को निगम में पार्षद मनोनीत किया था, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद हसीब उल हसन पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में शास्त्री पार्क मेट्रो के सामने हाईटेंशन वायर टावर पर चढ़ गए। उनका आरोप है कि पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया और पेपर भी रखवा लिए गए हैं। हसीब ने पेपर वापस ना मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। वह अभी भी टावर पर लटके हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप नेता टावर पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके बोलने की कोई आवाज वीडियो में नहीं आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीते शुक्रवार को पहली लिस्ट में 134 और दूसरी लिस्ट बीते शनिवार को जारी की है, जिसमें 116 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में भी ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है। आपको बता दें कि एमसीडी में कुल 250 सीटें हैं। सभी सीटों पर 4 दिसंबर को चुनाव होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। इससे पहले आपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल करने को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेरी बैंक की पासबुक, मेरे पहचान पत्र सब इन्होंने, जो आईपी एड्रेस मेरा, सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे। टिकट दे या ना दे, मगर मेरे कम से कम मुझे चुनाव तो लड़ने दे। मेरे सारे के सारे पेपर रखिए, बार बार मांगने पे मैं कह रहा हूँ मेरे पेपर मुझे दे दो, मगर पेपर नहीं दे रहे। इन्होंने जो भी करा, इस समय अगर मैं कहूँ कि अगर इन्होंने टिकट बेचा तो सब कहेंगे टिकट बेचा, मगर मैं तो इन्हें कहता हूँ कि मेरे पेपर मुझे दे दो और मुझे को नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी मौत की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक आदिशी की होगी कि जिन्होंने ये मेरे पेपर रखे। क्या कहते हैं वो लोग? टिकट भेज दिया 3 करोड़ रुपए में दीपू चौधरी के हाथ। तो पार्टी आपको कुछ अभी तक उससे फोन आया पार्टी से आपको जो आप यहाँ चढ़े हैं? मैंने बार बार कहा डिमांड करी मेरे पेपर दे दो, हर एक भी कह दिया। वो ये चाहते हैं कि मैं इलेक्शन ना लड़ू यहाँ से, उन्होंने 3 करोड़ का टिकट भेज दिया। ऐसे चढ़ने से क्या आपका समस्या का हल होगा? मेरी मौत के बाद में कम से कम इन्हें ये तो मिलेगा कि कैसे किसी के पेपर नहीं रखे, किसी की जान से नहीं खेला जाता है।